आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, डीआईबी श्री अरविंद कुमार जी, डीजीबीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक बीपीआरएनडी की कमान संभालकर इसकी गति को बरकरार रखा, ऐसे श्री वीएस कौमुदी जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी श्री नीरज सिन्हा जी, आज यहां उपस्थित वर्चुअल तरीके से और फिजिकल तरीके से उपस्थित सभी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज बीपीआरएनडी के 51वें स्थापना दिवस पर मैं यहां पर आया। सबसे पहले तो ढेर सारे पदक, हमारे बहुत सारे पुलिस परिवार के अलग अलग कक्षा के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले हैं। कुछ संस्थानों को भी उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए पदक मिला है और विशेषकर सुश्री मीराबाई हमारे बीच में उपस्थित है, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी है, वो भी उपस्थित है। वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका जो सातत्य है, श्रम है और निष्ठा है, उसकी अनुमोदना भी करता हूं, उसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूं। मित्रों, आज बीपीआरएनडी का 51वां स्थापना दिन है। कोई भी संस्था हो, वो अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी रिलेवेंसी बना सकता है, बनाए रखता है, तो उसका मतलब है उसके काम की प्रासंगिकता भी है और उसके काम में दम भी है। बीपीआरएनडी ने दोनों चीजों को सिद्ध किया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैं मेरे जीवन में लगभग 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं, छोटे से छोटे खादी का काम करने वाली बहनों की संस्था से लेकर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन तक, मगर कोई भी संस्थान ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है और समय के अनुरूप संस्थाओं को भी बदलना पड़ता है। जो संस्थान इस दृष्टि से अपने आप को बदलता है, सातत्यपूर्ण परफॉर्मेंस करता है और परिश्रम करता है, वो ही काल की इस स्पर्धा के अंदर काल जयी बनता है। 51 साल का ये कालखंड बीपीआरएनडी को शायद आम जनता को पूछे क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मगर मैं समझता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए जब मैं पहली बार बीपीआरएनडी में आया था, तब मैंने विजिटर्स बुक में लिखा था कि बीपीआरएनडी के बगैर अच्छे पुलिसिंग की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, बीपीआरएनडी एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे में हमने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, कई राज्य सरकारें होती हैं, यूटीज होते हैं और इसके काम के विभाजन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय है। जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय बनता है और संघीय ढांचे को मजबूती देनी है, तब सभी राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब कि पुलिस,
और उसके आनुषंगिक संगठनों को जोड़ने वाली एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चुनौतियां होती हैं वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती हैं। सरकारें होती हैं अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है। केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है, कई बार एक दल की आती है। इस सब के हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सुसज्ज बनाना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए। अदरवाइज ये कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। और मैं मानता हूं कि 51 साल में बीपीआरएनडी ने देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है और अच्छे तरीके से, वरना असंभव था कि देश के सामने जो कानून और व्यवस्था की चुनौतियां मिलेंगी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून, कुछ केंद्रीय कानून, कोई सीमावर्ती राज्य है, कोई बरोबर मध्य में राज्य है, कोई सागर किनारे से छूटा हुआ राज्य, ये सारी चैलेंजेस को मिट करना हर एक राज्य के लिए संभव नहीं है। जब तक कोई केंद्रीय व्यवस्था ये सभी चुनौतियों का आकलन करते हुए, इसके वैश्विक मापदंडों का अभ्यास करते हुए भारत के पुलिस बल को अपग्रेड करने के लिए हरनिश दिन रात काम न करे, ये संभव नहीं है। और मैं मानता हूं 50 साल तक काम ये बीपीआरएनडी ने किया है, इसलिए सभी फॉर्मर डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमने आजादी के बाद गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। कोई कहेगा कि 15 अगस्त सन 47 को और संविधान की स्वीकृति के 50 के बाद अगर लोकतंत्र आया है तो ये सही नहीं है। लोकतंत्र हमारे प्रजा मन का एक स्वभाव। पहले भी गांव में पंच परमेश्वर कहते थे, हजारों साल पहले द्वारिका में यादवों का गणराज्य चलता था, बिहार के अंदर कई सारे गणराज्य थे, और लोकतंत्र ये हमारे देश का स्वभाव है। मगर एक तरह से सोचे तो हमने लोकतंत्र को आजादी के बाद अपनाया, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल आता है तो सीधा कानून और व्यवस्था से के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र का मतलब कोई पार्टियों को वोट देना और पार्टियों की सरकार बनाना नहीं है, तो व्यवस्था का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का साफल्य क्या है, लोकतंत्र का फल क्या है? लोकतंत्र का फल है कि 130 करोड़ लोगों को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार अपने आप को विकसित करने का मौका मिले, और 130 करोड़ नागरिकों के विकास की क्यूमुलेटिव इफेक्ट का फायदा देश को मिले और देश का विकास हो, वही लोकतंत्र है। और अगर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में उसको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार निर्बाध रूप से उसको मिलते रहे। कानून ने जो कर्तव्यों को, संविधान ने जो कर्तव्य को स्पिरिट से उस पर डाला है उसका भी वो निर्वहन करता रहे, और ये दोनों को मिल मिलाकर देश का विकास आगे बढ़ता रहे। मगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। और कानून और व्यवस्था ठीक रखने का काम देश की पुलिस करती है, देश के सीमा सुरक्षा में जुटे हुए सभी बल करते हैं, और इस सभी बलों को, सभी पुलिस के संस्थानों को चालक बल, मतलब उनको अपग्रेड करने का, उनको ट्रेनिंग करने का, उनकी खामियों को दिखाने का, बोले बगैर खामियों को सुधारने का काम बीपीआरएनडी ने किया है। कई बार मैं लोकतंत्र की बहस देखता हूं, संसद, विधानसभा,
न्यायालय, चुनाव आयोग, सीएजी, विजिलेंस कमिश्नर, बहुत उसकी चर्चा होती कि इन लोगों ने लोकतंत्र को सफल बनाया है। इसलिए नहीं कि मैं गृहमंत्री हूं, मैं बचपन से सोचता हूं कि लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान वो बीट के कांस्टेबल का है जो नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वरना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मगर न जाने किन कारणों से पुलिस की इमेज को ढेर सारे तरीकों से खंड खंड करने का एक, जैसे कह सकते हैं कि अभियान भी चला। कुछ घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, अच्छी घटनाओं को प्रसिद्धि नहीं देना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।